हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखे करेंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी 129 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करेंट अफेयर्स प्लेलिस्ट ऑप्शन प्लेलिस्ट करेंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर सारी वीडियोज देख सकते हैं। इन वीडियोज को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किए हैं। साथ में वीडियो के अंत में जो भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो सब यहाँ पे हमने डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 13 सरकारी स्कीम एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। ऑनलाइन लोन लेना इससे काफी आसान हो जाएगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स, इस न्यूज को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या फायदा होगा, ये सब सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में जो भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं जन समर्थ पोर्टल पर। जन समर्थ पोर्टल की बात की जाए तो जन समर्थ पोर्टल आखिरकार है क्या? जन समर्थ पोर्टल की बात की जाए तो इज अ डिजिटल वन स्टॉप शॉप दैट विल कनेक्ट 13 गवर्नमेंट क्रेडिट इनिशिएटिव ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जन समर्थ पोर्टल जो है वो सरकारी क्रेडिट योजना को जोड़ने वाला एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। जन समर्थ पोर्टल सभी योजनाओं के अंत तक सुनिश्चित कवरेज करता है। जन समर्थ पोर्टल से 13 सरकारी स्कीमों के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे और इससे सरकारी स्कीम के तहत आप लोन लेना आसान हो जाएगा। तो देखिए, जन समर्थ पोर्टल की बात की जाए, जन समर्थ पोर्टल में क्या किया गया है? जन समर्थ पोर्टल से जो है आप 13 सरकारी स्कीमों को जोड़ा गया है, जिसके तहत आप लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एक ही पोर्टल पर, और इसमें 13 स्कीम एक साथ आपकी अवेलेबल होंगी। दिस वेबसाइट विल कनेक्ट बेनिफिशरीज विद द लेंडर डायरेक्टली। जो लोन देने वाला है उससे यहाँ पे बेनिफिशरीज को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा, जिससे वे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, इन अ फ्यू स्टेप्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अंडर एलिजिबल स्कीम्स एंड रिसीव डिजिटल अप्रूवल। और यदि आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पे डिजिटल अप्रूवल दे दिया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि दिस विल मेक इडियल इजियर टू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम। इससे क्या होगा कि आप बैंक से लोन लेने के लिए आपको टू टेक इट विल मेक इजियर टू टेक लोन फ्रॉम बैंक। इससे क्या होगा कि बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा जितनी भी आप गवर्नमेंट स्कीम है उनके अंतर्गत। इसके बाद की जाए जन समर्थ पोर्टल का मेन एम क्या है, तो जन समर्थ पोर्टल का जो मेन उद्देश्य है, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर। इंक्लूसिव ग्रोथ और वेरियस सेक्टर का डेवलपमेंट करना वाई गाइडिंग एंड प्रोवाइडिंग देम टू अ राइट ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट एंड थ्रू दिस सिंपल एंड डिजिटल प्रोसेस। तो सिंपल और डिजिटल प्रोसेस को अपनाकर आपका जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको प्रमोट करना और डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर का डेवलपमेंट करना बाय गाइडिंग एंड प्रोवाइडिंग देम टू द राइट ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स। इसके जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है उसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए सभी योजनाओं को एक मंच पर लाकर सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यम से आसान और सरल बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमें जन समर्थ पोर्टल के बारे में याद रखना है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स देख सकते हैं। अभी रिसेंटली देयर आर नाउ इस समय जो है 4 लोन कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं वर्तमान में, और प्रत्येक लोन कैटेगरी के तहत यहाँ पे कई योजनाएं जो है वो आपकी शामिल हैं। देयर आर नाउ 4 लोन कैटेगरीज विद वेरियस स्कीम लिस्टेड अंडर ईच लोन कैटेगरी टू अप्लाई फॉर अ लोन इन योर सिलेक्टेड कैटेगरी। इस पोर्टल पर कोई भी लोन के लिए आवेदन कर सकता है। फिलहाल 4 श्रेणियों के लिए यहाँ पे लोन करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में आप लोन ले सकते हैं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ले सकते हैं, कारोबार बिजनेस स्टार्टअप के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, और जीवन यापन लोन भी यहाँ पे सम्मिलित की गई है। तो ये 4 श्रेणियों में इस समय जो है वो आपका लोन वर्तमान जन समर्थ पोर्टल पर वर्तमान में 4 लोन श्रेणियां जो है वहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सारे पॉइंट्स हमको याद जन समर्थ पोर्टल के बारे में याद रखने हैं। वही बात करते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो एनीवन इसमें कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट वन नीड टू चेक द एलिजिबिलिटी अंडर द रिक्वायर्ड लोन कैटेगरी। सबसे पहले तो आपको जो जिस भी लोन कैटेगरी में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं
वहां पे आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। यदि आप एलिजिबल हैं तो वन कैन अप्लाई फॉर अ लोन अंडर द कैटेगरी थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन। यदि आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं जनसंपर्क पोर्टल पर, जिससे जन समर्थ पोर्टल पर। वर्तमान में हमने यहाँ पे देख लिया कि चार लोन श्रेणियां जो है वो आपकी अवेलेबल है। प्रत्येक लोन कैटेगरी के अंतर्गत कई योजनाएं शामिल हैं, तो हमने यहाँ पे देख लिया। इसमें सबसे पहले आपको प्राथमिकता वाली लोन कैटेगरी के लिए आपको पहले कुछ आसान सवालों के जवाब देने होंगे, जिससे आप अपनी पात्रता एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। किसी भी योजना के लिए पात्र होने पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको डिजिटल अप्रूवल मिल जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं जनसमर्थ पोर्टल पर। वहीं बात की जाए इससे क्या फायदा होगा, फायदे की बात की जाए तो फर्स्ट पहले आपको अपनी जरूरत कि लोन श्रेणी में पात्रता की जांच करनी होगी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। जनसमर्थ पोर्टल के जरिए लोन के लिए आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी तक जो काम होगा वो सब ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। पोर्टल के जरिए आपने जो जनसमर्थ पोर्टल पर अप्लाई किया है, वहाँ पे आप पोर्टल के जरिए आप अपने लोन की स्थिति भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वंस यू अप्लाई यू कैन ऑल्सो चेक द स्टेटस ऑनलाइन। देयर इज एन ऑप्शन टू फाइल फॉर ग्रेवियंस इन केस ऑफ इनकन्वीनियंस। इसके अलावा यदि आपको कोई शिकायत भी है तो आप यहाँ पे उसकी शिकायत भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो शिकायत है, जो आपकी ग्रेवियंस है शिकायत, उसका निपटान भी जो है वो आपका 3 दिनों के अंदर इसको क्लियर कर दिया जाएगा, आपकी शिकायत से रिलेटेड जो भी इशू होगा। तो ये सारे फायदे होंगे आपके ऑनलाइन जनसमर्थ पोर्टल के लॉन्च होने से। तो ये ऑल अबाउट था जनसमर्थ पोर्टल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसमें स्टार्टिंग 13 सरकारी स्कीमों को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, और यहाँ पे आप बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है वो आपकी चार लोन श्रेणियां अवेलेबल हैं: शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरुआत एवं जीवन यापन लोन यहाँ पे सम्मिलित है। तो ये ऑल अबाउट था आपका जनसमर्थ पोर्टल के बारे में। अब इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि जनसमर्थ पोर्टल रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है, अभी कितनी सरकारी योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। 13 सरकारी योजनाओं को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जनसमर्थ पोर्टल जो है वो आपका किसके लिए अप्लाई, किसके लिए लाए, किस क्या है। जनसमर्थ पोर्टल की बात की जाए तो यहाँ पे आप सरकारी स्कीमों के तहत लोन लेने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट लोन लेने के लिए जो है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जनसमर्थ पोर्टल क्या है, जनसमर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स। जनसमर्थ पोर्टल इज अ डिजिटल वन स्टॉप दैट विल कनेक्ट 13 गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से क्या होगा, जो आप लोन के लिए 13 स्कीमों पर एक साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। तो ये ऑल अबाउट था जनसमर्थ पोर्टल के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।